नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ आप लोगों के बीच में गुम्मा बाजार से समय पर लाइव है। चुनावी सरगर्मियां सबके तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे चारों सीटों की हम बात करें, तीन विधानसभा की और एक हमारी संसदीय सीट की बात करें। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में निष्कासन की प्रक्रिया भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। पहले हमारे बीच में 13 लोगों को निष्कासित भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था और आज हमारे बीच में 7 महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को भी निष्कासित किया गया है। हमारे बीच में रशीम अधर सूद जी हैं जो महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष हैं और उनसे जानेंगे कि क्या संदेश यहां पर उनका है जो यहां पर हुआ। मैम, सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण की यदि बात करें, आपने पहले ही एक बार कहा था कि एक कड़ा संदेश यहां से दिया जाएगा। आज 7 पदाधिकारियों को यहां से निष्कासित किया गया है, क्या कारण रहे और उसके साथ साथ क्या एक संदेश रहेगा आगे भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासन में रहने वाली पार्टी है और पार्टी जो विरोधी कार्य हैं उनको संगठन जो है वो एक सीमा तक ही बर्दाश्त करता है। और आपको याद होगा कि आपने जब मुझसे पहले भी पूछा था तो मैंने यही कहा था कि अभी भी समय है, आज का दिन आपके पास है, आप अपने संगठन में वापस आइए। लेकिन शायद बहनों को मेरा विचार, मेरी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने संगठन में वापसी का रास्ता जो है वो अपने आप बंद कर दिया। इसलिए अनुशासन जो कार्रवाई है वो उनपे होनी ही थी जो आज हुई है। बात करें, जब हम इस खेमे की बात करते हैं जो एक तरह से दूसरी पार्टी को या दूसरे दल को सपोर्ट कर रहा है, तो वो अंदर ही अंदर ये भी कहते हैं कि हम हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन केवल जो यहाँ पर निर्णय लिया गया था उससे रुष्ट है। तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वापसी की उम्मीद है? देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बड़ी स्पष्टता से ये बात कही है कि जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, उस परिणाम में कोई हारे कोई जीते, उससे संगठन के कार्यों में प्रभाव नहीं पड़ता और संगठन ने निर्णय लिया है कि उनको वापस नहीं लिया जाएगा। और मैं आज आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूंगी कि संगठन एक शक्ति है हमारी, संगठन हमारे लिए आगे बढ़ाने का साधन है और अगर संगठन कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा नजर आएगा। जिन पदाधिकारियों को निकाला गया है उसमें से काफी ऐसे भी थे जो महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर थे, तो क्या इससे पार्टी को कमजोर नहीं होगी इससे पार्टी? देखिए, ऐसा नहीं है। संगठन में जब एक भी व्यक्ति नहीं होता तो भी संगठन होता है और संगठन में महत्वपूर्ण पद संगठन के दायित्व के तहत दिया जाता है और इसी के तहत मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी करती हूँ कि पार्टी में पद नहीं होता, कार्यकर्ता होता है। मेरे पास आज पद है महिला मोर्चा की अध्यक्षा का, लेकिन सर्वप्रथम मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मुझे संगठन की बात को, संगठन के महत्व को समझना होगा और यही कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है। चुनावों की यदि बात करें मैम, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि संगठन सर्वोपरि है यहाँ पर, और अगर संगठन की ही बात करें और चुनावों की बात करें, इकट्ठे लेकर बात करें, तो संगठन और चुनाव में जीत, इन दोनों में से अगर प्रायोरिटी रहे तो वो क्या रहेगी? देखिए, चुनाव तो एक प्रक्रिया है जी। संगठन को मजबूती देने का कार्य जो है वो हर कार्यकर्ता करता है जी जी। और मुझे लगता है कि उसी प्रक्रिया के तहत हम संगठन और चुनाव को जोड़कर आगे बढ़ते हैं जी। जब हम संगठन में कार्य करते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम चुनावों में भी विजय प्राप्त करें। और मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत कार्य करती है जी। और हम माइक्रो मैनेजमेंट के तहत कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप स्वयं देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो वो कितना बढ़िया रिजल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मतलब मोटी मोटी शब्दों में अगर कहा जाए तो खेत बचा रहना चाहिए, फसल चाहे आए जाए, मतलब एक नहीं, जो खेत... ऐसा नहीं हम कह सकते। देखिए, चरे वेती यानी कि हमको आगे निरंतर बढ़ते रहना है जी। और हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनके अनुसार संगठन कार्य करता है।
उन्होंने 75 वर्ष का एक निर्णय लिया जिसमें आपने 75 वर्ष के बाद कोई भी चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं रहेगा, आप संगठन के कार्य घर में बैठ के भी कर सकते हैं। एक निर्णय था जो शुरू में सब लोगों ने अपोज किया था, लेकिन धीरे धीरे उस निर्णय की महत्वता को लोगों ने समझा। ये निर्णय भी परिवारवाद और परिवारवाद के वंश को खत्म करने के लिए संगठन ने कड़ा निर्णय लिया है, और उस कड़े निर्णय में जुब्बल कोटखाई की जो सीट है वो उसके तहत आती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम चाहते हैं कि हम में से कोई भी कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़े, कल को आप भी हो सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर जनता के घूम रहे हैं वो भी हो सकते हैं, उनको कैसे मौका मिलेगा अगर हम परिवारवाद को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि संगठन ने ये दूसरा फैसला, भारतीय जनता पार्टी ने देश को डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किया, देश में लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखने के लिए किया, तो मुझे लगता है कि इस निर्णय का स्वागत हर कार्यकर्ता को दिल से करना चाहिए। रशीम मैम, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि हम आप लोगों के बीच में इस समय पर गुम्मा बाजार से लाइव हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, लाइव टाइम्स टीवी ने आपके बीच में ये बताया भी था, 7 पदाधिकारियों को यहाँ पर निलंबित किया गया है। उन्हीं 7 पदाधिकारियों की यदि हम बात करें कौन कौन हमारे बीच में है, और अभी आप लोगों से यहाँ पर रशिमधर सूद जी से भी हमने बात करवाई, तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है पहले भी इस तरह के जो संगठन से बाहर की बात है, वहां पर जो भी लोग यहाँ पर संगठन से बाहर गए उस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यवाही की गई है। इस बार 7 जो लोग महिला मोर्चा के रहे हैं उसमें विजेता खिमटा जी जिला उपाध्यक्ष महासू, पूनम मोक्टा जी जिला सचिव महासू, नैना तनेटा जी जो मंडल अध्यक्षा जुब्बल कोटखाई, पिंकी कोटवी जी मंडल अध्यक्षा जुब्बल कोटखाई उपाध्यक्षा क्षमा चाहेंगे, और इसके बाद रजनी सलाकटा मंडल महामंत्री हैं, उसके बाद रूपजा नेपटा है, मीनाक्षी मांटा है, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जारी है। ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे क्या क्या और होता रहा है, और देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ रक्षपति, जय हिंद।